नमना रहे। 19 दिसंबर सन 2017 और मंगलवार का दिन है और जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमना। मेरे मित्रों, केवल केवल आपके लिए आता हूं, ध्यान रखिएगा और जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए। क्या प्रयासों के बावजूद ही व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही, या फिर आप अनावश्यक रूप से परेशान रहते हैं, या कार्यों में मन नहीं लग रहा, या कार्यों में अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, या चतुर संबंधी परेशानियों से आप परेशान हैं, या फिर कार्य में हमेशा अस्थिर रहती है, हमेशा कार्य में अस्थिरता बनी रहती है, या आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र नमोना रहे। नमोना रहे, क्यों परेशान होते हैं दोस्तों? दाती महाराज आपके साथ, जरा इन आंखों में देखिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरा कार्य है आपको सहयोग करना, और मैंने आप लोगों से कहा ना कि 9916920004 ये व्हाट्सएप नंबर है दाती महाराज का। आपकी कोई भी समस्या है 9916920004 इस नंबर पर संपर्क रखो। इस पर आप अपनी समस्याओं को भेजो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजो, उसका समाधान मैं जी हिंदुस्तान में करूं। एक बात ध्यान रखना, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। अब बात करते हैं मंगलवार के पंचांग, पौष मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2074 मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र, मूल नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 19 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 दिसंबर आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से कैरियर में अनावश्यक उठापटक का सामना, कारोबार में सफलता नहीं, शिक्षा में सफलता नहीं, परिवार में सफलता, रोगों से पीछा नहीं छोड़ता, जीवन कले से भर गया है, तकलीफों से भर गया है। इन उपायों को रविवार का दिन या कृतिका नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के, अपने वजन के बराबर या शरदानुसार गेहूं किसी लाल कपड़े में बांध कर अपने सामने रख दे, जल गंगा जल कुमकुम का केसर का छीटा दे, भगवान सूर्य का ध्यान कर, सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर। तत्पश्चात पूजा के बाद ये गेहूं कुष्ठ आश्रम में दान करें, संपूर्ण परेशान करने वाला होगा। श्रद्धानुसार सरसों का तेल गौशाला में दान देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमोना रहे। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके कर्ण नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा मंगलवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि को समय ठीक है, गोचर अनुकूल है, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आज बुजुर्गों और पिता का पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, स्वजनों के सहयोग से पारिवारिक और संतान पक्ष से चिंता दूर होगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हाँ ये जरूर है कि व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन तनाव नाम की कोई चीज आज नजर आ नहीं रही है। नमोना और बात क्या करें, थोड़ा सा अपनों की जरूरतों पर ध्यान दीजिए, पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दीजिए, क्या ना करें वाणी और व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचाए। और बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि गोचर की बात कर रहा हूं, सितारों की बात, और आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, बहुत जरूरी वृषभ राशि, आज कोई शुभ कार्य संपन्न ना करें, कोई कार्य प्रारंभ ना करें, धन की व्यय की अधिकता से मानसिक कष्ट होगा, और आज अपनी जिम्मेवारी के प्रति जिम्मेवार रहना भी बहुत जरूरी, वरना कष्ट सुबह से लेकर शाम तक है, छोटा सा उपाय है, सदानुसार चावल, पके हुए चावल किसी गरीब निर्धन स्वागत स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट करना है, क्या करें अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें और अपनी बातों को, कार्य शैली को, कार्य योजनाओं को थोड़ा सा गुप्त रखें, क्या ना करें अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। और बात करते हैं मिथुन राशि,
मिथुन राशि में समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत। गोचरी कह रहे हैं कि आज दायरा बढ़ेगा, कारोबार का दायरा बढ़ेगा, चल और अचल संपत्ति बढ़ेगी, किसी नवीन अनुबंध में व्यापार में प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी, प्रयास थोड़े परंतु सफलता अधिक होगी। गोचर बड़ा शुभ है, क्या करें, वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय न करें न बढ़ाए। मैं इस समय से मिथुन की बात करी, कारक अच्छे कन्या की बात करी, उससे पहले मंगलवार का राहु काल और मंगलवार की आज मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और राहुकाल दोनों शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी मर्जी आप। विशेषकर राहुकाल भूमि भवन वाहन और कमोडिटी में जो सौदा करते हैं उन्हें पूंजी निवेश से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मत इस अर्जी है मेरी, मर्जी है आपकी। नमनानंद बात करते याद, विद्वान कहते हैं कि पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण में आज के दिन शुभ रहेगी। मेरा यह कहना है कि समय और साधनों में परिवर्तन बहुत आ गया, समय और साधन बदल गए। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनकी सिंदूर में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें और गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पर जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमनक अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि ग्रहगोचर की अनुकूलता से साहसिक कार्यों में विशेष सफलता हासिल करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अतिथि सत्कार का अवसर मिलेगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा, मातृ पक्ष का पूर्ण आशीर्वाद और मेलजोल बढ़ेगा, अधिकारी वर्ग भी आज आपको सहयोग करेंगे, चारों ओर गोचर अच्छा है, क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से आज आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है, क्या ना करें, किसी को भी आज शत्रु को भी कष्ट नहीं पहुंचना है, न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों कार्य क्षेत्र की स्थिति सामान्य रहेगी, व्यर्थ की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, व्यवसायिक यात्रा सफल होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आय मध्य में खर्चा सोच समझ के करेंगे, दिन में कहीं कोई परेशानी आज नहीं नजर आ रही है, न मना, क्या करें, थोड़ा सा संयम रखना बहुत, संयम की शालीनता से आज सामाजिक परिस्थितियों से आप उभर कर बाहर आ जाए, जो प्रतिकूल परिस्थितियां उसे उभर कर बाहर आ जाए, क्या ना करें, लॉटरी में धन ना लगाए, नमना। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि ग्रहगोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, आज परिवार में उठा पटक है, वाहन आदि में धन निवेश करना नुकसानदायक रहेगा और व्यापार में रुकावटें आने की संभावना है, कार्य व्यवसाय में सतर्क रहना बहुत है, रोग और ऋण और शत्रु आज परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कन्या राशि वालों गोचर इसे आप नहीं डरना मेरे में तो ऐसा गोचर आज पूजा वाला नारियल छील दीजिए, चोटी जरूर रखें, कुमकुम और केसर से उसके ऊपर स्वस्तिक बना दें, अपने ऊपर 7 बार उसारी और माई के श्री चरणों में माँ के मंदिर में जाकर भेंट कर सारे कष्ट, क्या करें, कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें, क्या ना करें, अनावश्यक कारोबारी वाद विवाद में ना पड़े तो अच्छा रहेगा, न मना। कारक सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करी, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमारे घर में धन हानि बहुत होती है, यदि आपके घर में धन की हानि ज्यादा हो रही है तो वास्तु सलाह में एक बात कही गई है, यदि घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटी चारपाई है तो धन आने की संभावना बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसको हटा देना चाहिए, नमन। और बात करते आज के सुझाव, व्यवसाय में यदि अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो आज मंगलवार का दिन 12 के 12 राशि नित्य के अनुरूप स्नान उपरांत हनुमान जी का ध्यान, 11 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ी, 11 साबुत हल्दी की गांठ गंगा जल से पवित्र कर पीले कपड़े में बांध ईशान कोण में लटका दे या तिजोरी में रख दे, समस्याओं का निवारण हो जाएगा, नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि चलो ग्रहगोचर अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं, सितारे पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे हैं, भाग्य आज आपके साथ खड़ा है, कार्य कुशलता से बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, बड़े बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा, यात्रा से लाभ मिलेगा, ग्रहस्थ का सुख बढ़ेगा और आपसी सहयोग मिलेगा, आज शासन और प्रशासन की ओर से भी पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्या करें, कार्य क्षेत्र में अनुकूल समय में अनुकूल बदलाव कर सकते हैं, न मनाएं, क्या न करें, बहुत जरूरी आज विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें तो अच्छा रहेगा, न मनाएं। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि समय और प्रस्तुति में सुधार होगा, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी,
अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और अपनों के सहयोग से कानूनी मसले निपटेंगे। घर परिवार की जिम्मेदारी पे थोड़ा सा ध्यान दें, यात्रा भी होगी लेकिन यात्रा अच्छी है। क्या करें, पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे न मना है। फिर बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, आज भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। ग्रहगोचर की शुभता और अनुकूलता से शुभ कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, नवीन कारोबारी योजना बनेगी जो पूर्ण होगी और इसमें आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा सफल होगी, पारिवारिक सदस्यों और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और सामाजिक सुयश बढ़ेगा। क्या करें, आत्मविश्वास से कार्य करें। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही न करें। तुला और धनु की बात, मकर कुंभ मीन की बात, उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी आज का उपाय, यदि प्रयासों के बावजूद भी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाए, अनावश्यक द्वंद्व रहता हो, सफलता नहीं मिल रही हो, तो रोज नित्य क्रम स्नान उपरांत कभी भी वृषभ लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन या कुंभ लगन में किसी निर्धन स्वागन स्त्री को श्रद्धानुसार चने की दाल, गाय का घी और स्वाग की वस्तु भेंट में करिएगा, परेशानियों से मुक्ति अद्भुत है। वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन में किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को चने की दाल और गाय का घी और स्वाग की वस्तु भेंट करिए, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मनन पर बात करते हैं, नमस्कार। यदि आपके बाल बहुत झड़ रहे हो, तुलसी के पत्ते और हरे आमलों को पीसकर एकदम महीन कर दीजिए और बालों की जड़ में लगाइए। घंटे दो घंटे रहिए, रखिए और फिर जल से धो दीजिए। बालों की जड़ मजबूत होगी, बाल कम झड़ेंगे और घने रहेंगे और काले रहेंगे। अद्भुत है ये, कभी खाली नहीं गया। नमन है। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले और सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही है। बहुत जरूरी है संयम से कार्य करना, वाणी पर संयम रखना बहुत, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, सोच विचार कर कार्य। धन के उधार लेन देन से आज आपको बचना होगा, गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, किसी बनते हुए कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी, आज धैर्य रखना बहुत जरूरी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, गोचर ऐसा संकेत दे रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मकर राशि वालों, गोचर अनुकूल नहीं, छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बहुत शुभ है। क्या करें, कार्य क्षेत्र में स्थिर मन से बने रहे। क्या ना करें, शत्रु को आज कमजोर न समझे। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि समय अनुकूल है, सितारों का शुभ संकेत है, कार्य क्षेत्र में जो अस्थिरता वो समाप्त होगी, धन लाभ के नए स्रोत की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्या करें, मित्रों से मिलजुल रहा है। क्या ना करें, भागदौड़ और परिश्रम से घबराए ना। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि ग्रहगोचर सितारों का शुभ संकेत, व्यवसाय में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, देश विदेश से व्यवसायिक प्रस्ताव और अनुबंध प्राप्त होंगे, आर्थिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और अपनों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा आज के। गोचर बड़ा शुभ है मीन राशि। क्या करें, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करिए, गोचर अनुकूल। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, बोल अमोलक बोल है, ये में तोल पीछे बोल, अनर्गल वाणी का प्रयोग न करें, अनर्गल भाषा का प्रयोग न करें, न मनाए। ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर, क्योंकि नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि विचार है मेरे, लादने का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपनिंग अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। हाँ, ये जरूर कहता हूँ, कहीं छूट जाता है तो www.shanidham.in पे जाइए, ये मेरी वेबसाइट है, या फिर श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्त ये मेरी फेसबुक है, और यूट्यूब पर जाएंगे तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे सब कुछ आपको मिलेगा, वहां बहुत वीडियो है, आप बहुत कुछ आपकी समस्याओं का समाधान है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज परेशानियां बहुत है, कार्य में मन नहीं लग रहा है, कार्य में अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, शत्रु संबंधी परेशानी से परेशान, कार्य में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है, ये 2018 में ना हो दाती महाराज तो क्या करें। अरे भाई, हनुमान जी की पूजा करो, आज तो मंगलवार दिन, आज के दिन नित्य कर्म नियो स्नान उपरांत गीले वस्त्र में पीपल के पेड़ के 108 पत्ते तोड़कर लाए, जलगंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए,
लाल चंदन के प्रत्येक पत्ते पर ओम शम लिख दीजिए, ओम शम। कला में से बांध कर इसका माला का स्वरूप लीजिए, शुद्ध पात्र में हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने रख दीजिए। जल गंगा जल पंचामृत का छींटा दीजिए, पुनः पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध आसन में बैठकर ओम विश्व रूपाय नमः इस मंत्र की पांच माला जाप, जाप के उपरांत ये माला हनुमान जी के गले में पहना दीजिए, सारी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। बात करते हैं जीवन मंत्र की, आज के जीवन जिंदगी में पीछे देखोगे ना तो अनुभव मिलेगा, और जिंदगी में आगे देखो तो आशा मिलेगी, दाएं और बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा, वो परमेश्वर मिलेगा, और भीतर देख लोगे तो बाकी सारे मामले स्वतः ही हो जाएंगे, इस बात का ध्यान दे दीजिएगा। नमन, ये समय है प्रभु के दर्शनों का, और दर्शनों के चलते दाती धाम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। आप सभी ने प्रभु दर्शन के, प्रभु आपका कल्याण कर रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी बात। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल्पना गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय बुधवार का राशि पर गणपति को कैसे मनाएं पूछा, और मंत्र जीवन मंत्र सुझाव के उपाय और वास्तु सलाह लेकर, लेकिन आज अपनी गलती अपने गुना और अपने भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण।